गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम EVS में चैप्टर 13 का वाटर साइकिल रीड करेंगे। ओके, पेज नंबर 74 है, ठीक है। लेसन 13 पेज नंबर 74 रीड करेंगे। ओके, चलिए। वाटर साइकिल। द वाटर ऑन द अर्थ इज हीटेड अप कंटिन्यूअसली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। इट चेंजेस टू वाटर वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इवापोरेशन। एज दीज वाटर वेपर्स राइज अप इन द एयर, इट बिगेन्स टू कूल एंड फॉर्म क्लाउड्स। This process is called condensation. क्या होता है, जब जो पानी है अर्थ पर, ठीक है, पानी है वह क्या होता है, जब सूरज आता है, ठीक है, धूप निकलती है, तो पानी क्या होता है, गर्म होता रहता है, लगातार क्या होता है, गर्म होता रहता है। पानी कौन सा, जो रिवर में है, ठीक है, ये पॉन्ड में, लेक में, जो भी पानी है, ठीक है, वह गर्म होता है, हीट बनती है, ठीक है, भाप, भाप बनता है, उससे क्या होता है, जो पानी है वह उड़ जाता है हवा में, ठीक है, वेपर मीन भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। फिर जो भाप बन जाता है वह हवा में जाके क्या हो जाता है, कूल, यानी कि ठंडा हो जाता है, ठीक है, और कूल होकर वह क्या बन जाता है, क्लाउड्स, यानी कि बादल के रूप में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। व्हेन द क्लाउड बिकेम टू हैवी द वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ एज रेन, हेल और स्नो। जब क्या होता है, ये वेपर यानी कि जो भाप बन के उड़ता है ना पानी, वह क्या होता है, बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वह पानी बनकर फिर से बारिश के रूप में जमीन पर गिरता है ना, हेल यानी कि ओले गिरते हैं, ठीक है, स्नो बर्फ के रूप में गिरता है। दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन, ठीक है। क्या होता है, बहुत जल्दी, जैसी भारी होता है तुरंत से बारिश हो जाती है, ठीक है, हेल गिरने लगते हैं, स्नो गिरने लगता है, ठीक है। प्रिसिपिटेशन मीन है तेजी या बहुत जल्दी या दबाव पड़ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया है ना, ये तो दिया है ना वाटर साइकिल, ठीक है, इसको समझिए। ये सन है, ठीक है, सन है, सन से क्या होता है, हीट निकलती है, ठीक है, धूप निकलती है तो हीट होती है, बहुत गर्म होता है ना, गर्मियों में कितनी गर्मी होती है ना। फिर उससे क्या होता है, ये जो पानी है, ठीक है, ये पानी क्या है, एवोपरेशन मीन भाप बन के उड़ने लगता है हीट के कारण, है ना, और फिर ये क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल, ठीक है। और जब बादल बन जाते हैं तो ये बहुत जब हैवी हो जाते हैं ना, फिर ये क्या होते हैं, फिर से ये वाटर के रूप में, वाटर नीचे गिर जाता है ना, रेन बनकर वाटर नीचे गिर जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और फिर से ही क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, फिर से नदियों में जाने लगता है, ठीक है, पानी पॉन्ड बन जाते हैं, झीलों में वही पानी फिर से जाने लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ क्लाउड बने, फिर क्लाउड से रेन बना, फिर से ही वाटर बन गया, ठीक है ना। द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। क्या होता है, जो पानी है फिर से कलेक्ट हो जाता है किसमें, नदियों में, पॉन्ड मीन तालाबों में, झीलों में, ठीक है। अगेन विद द हीट ऑफ द सन दिस वाटर राइजेस टू फॉर्म क्लाउड्स। फिर से क्या होता है, फिर से जो सन होता है, सन की जो रेज होती है फिर से पानी में आती है, क्योंकि वो क्या देती है, हीट देती है ना गर्मी से, फिर क्या होता है, पानी वेपर बन जाता है, ठीक है, उड़ने लगता है ना, भाप बन जाता है पानी,
और फिर से वह क्या होता है, क्लाउड बन जाता है, और फिर से वह क्लाउड बन के रेन रेन में बन जाता है, फिर से वह वाटर बन जाता है। ठीक है, तो इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। दिस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसी को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। कि पानी फिर से क्या आता है, पानी बनता है, फिर वेपर इनके भाप बनता है, फिर क्लाउड बनते हैं, ठीक है, फिर क्लाउड से रेन बन जाता है, स्नो, फिर से वह जब नीचे जमीन पर स्नो गिरती है क्या होता है, वो मेल्ट हो जाती है ना, कुछ टाइम बाद वो क्या होती है, पिघल जाती है, फिर से वह क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ठीक है, तो वाटर साइकिल यही होता है सारा। अब है वाटर पॉल्यूशन, यानी कि पानी वाला प्रदूषण, कि पानी कैसे गंदा हो जाता है और कर लेते हैं। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ डर्टी वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर्स फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज विद द रिवर्स पॉन्ड्स ईटीसी दैट मेक्स द वाटर अनफिट फॉर यूज इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। क्या होता है, जैसे ये है ना, डर्टी वाटर कैसे बन जाता है, जैसे ये देखो यहाँ पर क्या कर रही है, एक आदमी किसको लगे गया, बफेलो, नहीं, भैंस को कहाँ लगे गया, पानी में। तो पानी में क्या होगा, जो बफेलो जाएगी पानी में तो गंदा तो होगा, ठीक है, और ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, ये फैक्ट्रीज हैं, इनका जो डर्टी वाटर है, ठीक है, जो इनकी गंदगी है, वो कहाँ आएगी मिलके, पानी में। अगर वो पानी में आएगी तो पानी को क्या होगा, पानी डर्टी होगा, गंदा होगा, ठीक है, वह सब जगह फैल जाएगा, पानी रिवर्स में चला जाएगा, तालाबों में चला जाएगा, ठीक है, और वह पानी को क्या होगा, हम उस पानी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर क्या हो गया, गंदा हो गया ना, वाटर पॉल्यूटेड हो गया। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर में मिक्स विद द वाटर दैट रीच अवर होम्स व्हेन वी कंज्यूम दिस पॉल्यूटेड वाटर वी फॉल इल। क्या होगा, यही पानी क्या होता है, हमारे घरों तक पहुंचता है ना, और अगर हम इस पानी का यूज करेंगे तो क्या होंगे, हम इल हो जाएंगे, इल मीन बीमार पड़ जाएंगे, है ना, पॉल्यूटेड वाटर पी के हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, डिजीज लाइक डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा एंड जॉइंडिस स्प्रेड ड्यू ड्यू टू डर्टी वाटर। ठीक है, इससे हमें कौन सी बीमारी होती है, डायरिया यानी कि दस्त लगना, ठीक है, पेचिस, हैजा, पीलिया, ये सब हमें किससे होती है, डर्टी वाटर से। ठीक है, इसलिए हमें वाटर को हमेशा फिल्टर करके पीना चाहिए या फिर बॉयल करके पीना चाहिए। ठीक है, डर्टी वाटर का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। ओके, आगे समझ में आप सबको, ठीक है, यहाँ देखिए, रेन, रिवर, पॉन्ड, वेल्स, ईटीसी आर सम सोर्सेज ऑफ वाटर। यानी कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, रेन से, ठीक है, रिवर से, पॉन्ड से, वेल से। ठीक है, रेन मीन बारिश होता है, रिवर मीन नदी नदी, पॉन्ड्स मीन तालाब, वेल्स मीन कुआं। ठीक है, और इसके अलावा भी और जगहों से भी मिलता है। वी शुड यूज वाटर फिल्टर टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। और हमें वाटर फिल्टर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, पानी पीने से पहले, जो पानी पीना चाहिए उसको हमने पहले क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए, फिर उसको पीना चाहिए। ओके, वाटर साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस एवेपरेशन एंड कंडेंसेशन बाय विच वाटर सर्कुलेट्स। ठीक है, क्या है वाटर साइकिल, प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस एवेपरेशन, जो भाप बनता है, ठीक है, भाप बन के वो वाष्पीकरण यानी कि क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। ठीक है, और फिर से बादल बन के वह रेन होती है, रेन होके फिर से वह पानी बन जाता है। ठीक है, समझ में आया आप सबको, वेरी गुड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।